नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार जिंदगी में आप एक गलत रिश्ता हार कर बहुत कुछ जीत जाते हैं। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगते हो तो आपकी वैल्यू उसकी नज़र में गिर जाती है। कितना अजीब है ना, कोई मरता रहता है बात करने के लिए और किसी को परवाह तक नहीं होती। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये अजनबी हो जाएं तो बहुत तकलीफ देते हैं। पता है मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूँ? क्योंकि मैं खुद के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं करता। एक दरवाजे पर लिखा था, कोई भीतर मत आना, क्योंकि आज मैं दुखी हूँ। पढ़े लिखे समझदार लोग सब वापस लौट गए, भीतर वही गया जिसे परवाह थी। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। बड़ा मुश्किल काम है सभी रिश्तों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाती है, नजर नहीं आता मगर बहुत दर्द देता है। यह जुदाई का जख्म है, कुछ ऐसा ही होता है। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे नाज था। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? बड़े नाजुक लगते थे जो लोग, जब वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। कोई किसी का नहीं होता यहाँ, सब कहने की बात है। अपना दर्द अपना होता है और सहना भी से खुद ही पड़ता है। टूटे हुए दिल ने सिखाया है जिंदगी जीने का तरीका, अब किसी की हिम्मत जो हमें गिरा कर दिखाए। जब लोगों का मन भर जाता है तो लोग वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले हुआ करते थे। सिर्फ मुंह से बोल देना काफी नहीं होता है, दिल से साथ देना भी जरूरी होता है। हो सके तो पास आकर देख मेरे दिल का दर्द, फासले से तो हर चीज छोटी नजर आती है। पल भर में टूट जाता है एक उम्र का रिश्ता, आंख से टपकते हैं जैसे बेगाना हो जाता है आंसू। खुदा जाने कौन से कसर रह गई थी तुम्हें चाहने में, तुम तो जान ही ना पाए कि हमने तो तुम्हें ही अपना खुदा मान लिया था। जिंदगी में जिसे जितना प्यार करोगे वो उतना ही रुलाएगा। देख लो मेरे दोस्त, ये वसूल ये आपके बहुत काम आएगा। कोई बार बार दिल दुखाए तो चाह छोड़ देनी चाहिए, और जब बात इज्जत पर आए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम वो अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। ये मत समझना कि लोग बदल जाते हैं, पर सच तो ये है कि उनके नकली नकाब उतर जाते हैं। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। एक इंसान अगर आपको दो बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है जनाब। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। कभी कभी सारी दुनिया का प्यार किसी एक इंसान के प्यार की जगह नहीं ले पाता। काश तुम भी जान पाते कि इंतजार का दर्द क्या होता है, तो समझ पाते हमारे एहसासों को। पर गलती हमारी भी है, हमने कभी मौका ही नहीं दिया तुम्हें उस दर्द से रूबरू होने का। नौकरी की तरह हो गए हैं आजकल के रिश्ते, बात भी करते हैं, हाजिरी भी लगती है, हालात भी पूछे जाते हैं, पर सब कुछ एक मजबूरी में। कई बार ये कहकर लोग पीछे हट जाते हैं कि हम आपके लायक नहीं हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो लोग आदतें तो क्या, अपनी पूरी शख्सियत ही बदल देते हैं। जब किसी का अभिमान इतना बढ़ जाए कि उसका थैर चाहने वालों की भी बातें उसे चुभने लगे, तो समझ लेना
अब उसकी खैर नहीं। छोड़ दिया मैंने उन लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही घिरा हुआ समझा, जो ना बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं एक दिन वही एहसास करा देते हैं कि वो पराए हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हम तुमको जिंदगी में कभी रोने नहीं देंगे, हम सफ़र खूबसूरत हो या ना हो लेकिन कद्र करने वाला जरूर होना चाहिए। गलत वो नहीं थे जो धोखा देते हैं, गलत आप हो जो उन्हें मौका देते हो। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो। ब्रह्म मुप्य नहीं मिलता किसी को, तेरे जैसा हम सफर होना बहुत जरूरी है। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। कुछ लोग तो हमारी नफरत के भी काबिल नहीं होते हैं और हम उन पे अपनी मोहब्बत जाया कर देते हैं। समझ नहीं आता कौन से यादों के साथ मुझे जीना चाहिए। तेरे साथ बिताई वो यादें जो दिल को दर्द दे जाती है, या वो जब तेरे बिना मैं बहुत खुश रहता था। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान आपका दिल तोड़ दे जिसके लिए आपको पूरा विश्वास हो कि वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ सकता। एक टूटा हुआ इंसान या तो गम के अंधेरे में डूब जाता है या आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। अब फैसला आपको करना है, आप डूबना चाहते हैं या आसमां को छूना चाहते हैं। आपका दर्द तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप वहां जाना नहीं छोड़ते जहां से आपको दर्द मिला है। कोई इंसान आपको दर्द नहीं देता, दर्द देता है आपका उसके लिए बेइंतहा प्यार और आपकी उससे की हुई उम्मीदें। हाँ अभी प्यार है तुझसे, हाँ अभी परवाह है तेरी, हाँ अभी सोचता हूं तेरे बारे में, लेकिन हाँ अब मेरी जिंदगी में मैं तुझे नहीं चाहता। दिल टूटा जरूर है लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं। जैसे आपकी जिंदगी से कुछ रिश्ते और प्यार चले जाते हैं, विश्वास रखना वैसे ही एक दिन दर्द भी चला जाएगा। सच्ची मोहब्बत करने के बाद भी अगर कोई आपका नहीं होता तो रोना मत, क्योंकि आपने वो खोया जो आपका कभी था ही नहीं, और उसने वो खोया जो सिर्फ उसी का था। जिंदगी का सबसे कठिन फैसला वो होता है जब आप उस इंसान को अलविदा कहते हैं जिसके साथ आपने सारी जिंदगी जीने की सपने देखे हो। कभी कभी किसी रिश्ते को इसलिए भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपकी उस रिश्ते में आपकी कभी कदर नहीं होती। जब किसी रिश्ते में आपको किसी प्यार, समय और परवाह के लिए भीख मांगनी पड़े तो समझ जाओ उस रिश्ते को आप अकेले ही चला रहे हो। यानी कि एक तरफा मोहब्बत, किसी इंसान की सच्चाई जानने के बाद भी अगर आप उसे अपने जिंदगी से दूर नहीं करते तो सावधान हो जाओ, आपने अपनी जिंदगी के लिए खुद ही दुख खरीद लिए हैं। आपकी हजारे बार ये कहने पर भी कि वो आपके लिए कितना खास है, उसकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, अगर वो फिर भी ना समझ रहा है तो वक्त आ गया है। यही दो लाइनें आप खुद से कहें कि आप खुद के लिए कितने खास हैं और आपकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमसे पहले भी लोगों की जिंदगी में खास लोग होते हैं और हमारे जाने के बाद भी लोगों के जिंदगी में खास लोग आते हैं। इसलिए अपना जी लगाने से अच्छा है आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमस्ते वाले की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।